हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बेसन से बर्फी बनाने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो फिर डिसलाइक का बटन है ना, उसे दबा दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मेरा नाम है ममता और आप आए हैं ममताज किचन में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे और कढ़ाई में 3 चम्मच घी डाल देंगे। ये मैंने घी डाल दिया है दोस्तों। अब जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसे हाई फ्लेम पर मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट हो गया है दोस्तों, अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को मैंने छलनी से छान लिया था दोस्तों। यहाँ पे मैं 6 चम्मच बेसन का यूज कर रही हूँ। ये बेसन मैंने डाल दिया है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे घी में मिक्स कर लिया है अच्छे से दोनों चीज़ों को। अब हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे, अगर अपन बीच में छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसे रेगुलर चलाते रहेंगे और 6 से 7 मिनट तक घी में फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर घी में फ्राई कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैटर की जैसी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। कलर भी थोड़ा सुनहरा हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे दोस्तों। ये मैंने 1.5 कप चीनी ऐड कर दी है इसमें। अब हम इसमें 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी को रेगुलर चलाते रहेंगे दोस्तों। ये मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर दोस्तों 4 से 5 मिनट तक पका लिया है रेगुलर चलाते हुए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको इस तरीके से रेगुलर पैन में हिलाते हुए पैन में ही ठंडा करेंगे। गैस ऑफ करने के बाद भी इसको इस तरीके से हिलाते रहना है दोस्तों। चाशनी को मैंने 2-3 मिनट तक ठंडा कर लिया है दोस्तों। अब हम इसको भुने हुए बेसन में और मैदा में डाल देंगे। चाशनी मैंने भुने हुए बेसन में डालकर मिक्स कर दिए दोस्तों। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब एक छोटी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे घी से और इसमें इस बैटर को डाल लेंगे। ये मैंने प्लेट में डालकर इसको इस तरीके से प्रेस करके थोड़ा हल्का सा दबा दिया है दोस्तों। अब हम चम्मच को अलग कर देंगे और इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देंगे। और थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो नारियल पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया। अब हम इसको 4-5 मिनट तक ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसके पीसेस आपको काट के दिखाऊंगी। मैंने इसे 5-7 मिनट तक ठंडा कर लिया है दोस्तों। अब हम इसके पीसेस काट देंगे। पीसेस अपनी आप चॉइस के अकॉर्डिंग काट सकते हैं, छोटे या बड़े।
मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पीसेस कट कर रेडी कर लिया है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, दोनों साइड से अच्छे से सेट भी हो गया है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।